हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ महेश शाह फ्रॉम सूरत। दिस वीडियो इज़ फॉर स्टैंडर्ड 6, सब्जेक्ट सोशल साइंस, चैप्टर 5, अर्थ अवर होम पार्ट 2। सो इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द अर्थ। वी स्टडीड अबाउट ऑल द प्लैनेट्स एज वेल एज वी डिस्कस अबाउट द ग्लोब, द मॉडल ऑफ द अर्थ एंड द यूज़ ऑफ द ग्लोब। And I think we discuss about climatic zone also. So in that video, I was given just a preference, the initial detail of climatic zone. In today's video, we are going to discuss all the climatic zones in details. तो आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। मेरा जो इंस्ट्रक्शन रहता है कि ये एजुकेशनल वीडियो है, तो अगर आप लेटे लेटे या टीवी देखते देखते इसको देख रहे हैं तो एक अलग से रूम में चले जाए, प्रॉपर पोजीशन में बैठ जाइए और फिर आप ये वीडियो को देखें। और एक नोटबुक और पेन भी अपने साथ रखें, क्योंकि जहाँ पे भी इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे वो आपको मेंशन करने पड़ेंगे। और वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि किस तरह के क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चैप्टर को समझने के लिए आपको इसका फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट जो वीडियो है वो भी आपको एक बार देख लेना होगा, तो पूरी डिटेल आपके माइंड में सेट हो जाएगी कि हम कहाँ की स्टोरी की बात कर रहे हैं और कौन सी स्टोरी की बात कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने, मेरे ख्याल से मैंने आपको ये दिखाया था अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्लाइमेटिक जोन द होल अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप एज पर द टेम्परेचर, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीजिड जोन। अब टॉरिड जोन में क्या होता है वो आज हमें, तो ये वेजिटेशन से, यहाँ पे विंटर होती है, रेनफॉल भी होता है, समर भी होता है, स्प्रिंग भी होता है, यानी टॉरिड जोन में आप हर एक सीज़न को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी वेजिटेशन से अलग अलग फ्लोरा और फौना आपको दिखेंगे, क्योंकि जितनी वेजिटेशन होगी उतने एनिमल्स भी अलग अलग आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो टॉरिड जोन में बेसिकली होता क्या है, तो एक्सट्रीम हीट होती है, हैवी रेनफॉल होता है और हाई टेम्परेचर होता है। और रेन जहाँ होता है वहाँ पे वेजिटेशंस भी अलग अलग मिलेंगी, और अगर वेजिटेशंस अलग अलग हो गए, यानी फॉरेस्ट अगर आपके डेंजी है तो वहाँ पे एनिमल्स भी आपको वैरायटी में मिलेंगे, बहुत सारे एनिमल्स मिलेंगे, बिकॉज द फॉरेस्ट इज़ द होम ऑफ एनिमल्स। तो टॉरिस्ट जोन में ये होता है। अब टॉरिस्ट जोन एक्चुअली में कौन सा एरिया है, तो ये जो रेड आप पोर्शन देख रहे हैं, ये जो रेड पोर्शन है ये है टॉरिड जोन, ये वाला जो एरिया है ये है टॉरिड जोन का एरिया। और यहाँ पे आपको हैवी रेन भी मिलेगा, हीट भी मिलेगी। क्यों हीट मिलेगी, क्योंकि ये इक्वेटर वाला एरिया है, इक्वेटर यहाँ से पास होता है, इसकी वजह से यहाँ पे हीट आपको मिलेगी और हीट की वजह से क्लाउड भी बनेगी और रेनफॉल भी मिलेगी। तो इसकी वजह से ये रीजन में जो है वहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा है। अगर आप अमेजोन फॉरेस्ट की बात करोगे तो वो भी यही रीजन में आता है। ये जो एरिया है ये अमेजोन फॉरेस्ट का एरिया है जो टॉरिड जोन में आ रहा है। अमेजोन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड डेंसी फॉरेस्ट कवर एरिया ऑफ द अर्थ। तो ये है टॉरिड जोन। टेम्परेट जोन में क्या होता है, तो देखिए ये टेम्परेट जोन है, ये आपको नोटबुक में लिख देना है कि द वेदर इन टेम्परेट क्लाइमेट्स इज नॉट यूजुअली टू वाइल्ड द होल ईयर, इट इज़ नेवर टू हॉट और टू कोल्ड, मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रिव इन द टेम्परेट जोन। क्योंकि ये इक्वेटर से थोड़ा दूर हो जाता है ये रीजन, किस तरह से, तो यहाँ पे फिर एक बार हम देख लेते हैं कि ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये
टेम्परेट जोन है। अब ये इक्वेटर से दोनों साइड काफ़ी दूर है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, और ये है रीज़न क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा टॉरिड जोन से बेटर होता है, ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है। और क्या है टेम्परेट जोन में, तो द अमाउंट ऑफ रेन दैट फॉल्स इन टेम्परेट एरियाज इज़ 500 mm एनुअली। यहाँ पे रेन का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है, ये आपको समझ जाना है कि यहाँ पे जो रेन है वो रन नहीं है, ये नहीं है, इसके बदले यहाँ पे है रेन, रेन RAIN रेन। तो मैं यहाँ पे आपके इंफॉर्मेशन के लिए ये स्लाइड एक्चुअली मैंने नहीं प्रिपेयर की है, इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, अदरवाइज सब ठीक है। तो यहाँ पे हम वर्ड रख देते हैं रेन, ठीक है, इसका कलर मैच नहीं हो रहा है तो कलर भी हम इसका चेंज कर देंगे, रेड कलर ही रखेंगे तो पता चल जाएगा। रेन दैट फॉल्स इन टेम्परेट एरियाज इन 500 mm एनुअली, यानी पूरे साल में वहाँ पे रेन कितना होगा 500 mm एनुअली, एनुअली यानी एक साल का, यानी जो सीज़न होता है उसमें। बिटवीन द पोल्स And the equator lies the temperate zone. Most temperate places are around Northern European and Canada. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Northern European और Canada में जो है region है ये वाला, ये region जो है वो temperate zone में आता है। और temperate zone के बारे में हमारे पास क्या है, तो ये है temperate climatic zone। तो temperate क्लाइमेटिक कंडीशन 500 mm तो हमने देखा, ऑल ईयर राउंड व्हेन इट इज़ नियर द इक्वेटर, व्हेन इट इज़ फर्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर रेनफॉल कम्स इन विंटर। तो जैसे आप इक्वेटर से दूर जाओगे वहाँ पे रेनफॉल विंटर में आना चालू होगा। जियोग्राफिकल लोकेशन, टेम्परेट जोन्स आर फाउंड बिटवीन द पोल्स एंड द इक्वेटर कंट्रीज, तो यू कैन फाइंड टेम्परेट जोन्स इन नॉर्दर्न यूरोप एंड कैनेडा विच इज़ अराउंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड क्लाइमेट जोन गो फैक्स 2009। तो ये इसकी डिटेल है जिसको आपको नोटबुक के अंदर मेंशन कर देना है। तो ये हुआ हमारा टेम्परेट जोन। तो यहाँ पे क्या होता है, तो मॉडरेट हीट होती है, मॉडरेट रेन होता है, नहीं ज़्यादा रेन होता है, जैसे टॉरिड जोन में हेवी रेन होता है वैसा नहीं होता है। मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, यानी ज़्यादा ठंडी भी नहीं, ज़्यादा गर्मी भी नहीं। एंड फ्यू वेराइटीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फौना फाउंड, क्योंकि रेन मॉडरेट होता है तो वहाँ पे वेराइटीज़ भी आप देखोगे तो अच्छी होती है, एकदम से नहीं होती है वैसी नहीं, पर टॉरिड जोन जैसी नहीं होती है, इतना उसके अंदर डिफरेंस रहता है। अब नेक्स्ट जो थर्ड वाला है वो है हमारा फ्रीजिस जोन, यानी हमारा पोल वाला जो रीजन जहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड होती है, नो रेनफॉल होता ही नहीं है, यहाँ पे स्नोफॉल होता है। 9 months कवर विद द स्कैंटी ग्रासेस, आइस कैंटी ग्रास, यानी 9th month यहाँ पे आपको लैंड दिखेगी ही नहीं, पूरा का पूरा स्नो दिखेगा। और आइस थिकनेस जो होती है वो mm में देखने जाए तो 201,305,012, तो इतनी इसकी आइस थिक होती है जो 0.08 से लेके 3.5 mm तक की, मीटर तक की होती है, mm नहीं मीटर। और आप ये पोल का रीजन आप देख सकते हैं, ये जितना भी आप कलरिंग जो देख रहे हैं, कलर्स देख रहे हैं, वो हमारा पोल रीजन है, पोलर रीजन, यहाँ पे आइस शीट्स होती है बड़ी बड़ी। और यहाँ का जो कंडीशन होता है वो एकदम एक्सट्रीम होता है, यानी यहाँ पे
हम तो रह ही नहीं सकते, ऐसी सिचुएशन होती है। ये वाला देखिए फ्रीजिस जोन, ये जो पोलर जोन लिखा है ये, और यहाँ पे नीचे ये, तो यहाँ पे बहुत आइस होती है। और टेम्परेचर देखिए यहाँ पे लिखा है -7 से -23 डिग्री तक होता है नॉर्थ पोल पे, और साउथ पोल पे देखने जाए तो यहाँ पे -33 डिग्री सेल्सियस तक का भी टेम्परेचर पहुँच जाता है, जो हमारे लिए इजी नहीं है वहाँ पे रहना और सर्वाइव करना। तो ये यहाँ की कंडीशन है। तो ये हो गया आपका थर्ड क्लाइमेटिक जोन, फ्रीजिस जोन। तो ये आपको याद रखना है क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से। आज के कितने पार्ट पढ़ेंगे, तो तीन, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीजिस जोन। अब हम बात करते हैं तो कॉन्टिनेंट्स की, कि कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। तो देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। कौन से, तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। अब कॉन्टिनेंट हम किसको बोलेंगे, तो ये डेफिनेशन आपको नोटबुक में लिख देनी है कि कॉन्टिनेंट्स आर द मेजर लैंड मासिस ऑन अर्थ। द 7 कॉन्टिनेंट्स आर अफ्रीका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया। अब जैसे 7 कॉन्टिनेंट है, वैसे हमारे पास 5 ओशंस भी हैं। तो कौन से हैं, तो एंटार्क्टिक, अटलांटिक, इंडियन, पैसिफिक एंड सदर्न ओशियन। तो ऐसे करके हमारे पास 5 ओशन हैं जो आपको नाम लिख देना है, और सदर्न यानी आर्कटिक ओशन भी आप उसको बोल सकते हो। तो ये पूरा कॉन्टिनेंट और ओशन का जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे है कि कॉन्टिनेंट लार्ज लैंड मासिस ऑन द प्लेनेट बिगर देन कंट्री, स्टेट, सिटीज एंड योर बैकयार्ड। एन ओशन लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर ऑन द प्लेनेट बिगर देन सीज, लेक्स, पॉन्ड्स एंड मड पडल्स। तो ये है हमारे 7 कॉन्टिनेंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्ल्ड मैप के ऊपर कि कौन सा कहाँ पे है। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, जो यहाँ पे हमें दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। ये सबसे लार्जेस्ट है और ये सबसे स्मॉलेस्ट है। तो ये आपको याद रखना है, अब 5th स्टैंडर्ड में ये सब पढ़ के आए हो तो इजीली आपको याद रह जाएगा। अब एक वर्क आपके लिए जो मैंने रखा है वो आउटलाइन बॉर्डर का है, पर ये साथ में हम सभी कॉन्टिनेंट की डिटेल्स भी एक बार देखेंगे। तो इफ़ यू ऑब्जर्व द ग्लोब यू विल सी दैट द अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू लैंड एंड वाटर। द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स एंड द लार्ज एरियाज कवर्ड विथ वाटर आर कॉल्ड ओशंस। सो लैंड मासेस कवर 29% ऑफ द एरिया, 29% एरिया ऑफ द अर्थ एंड वाटर बॉडीज कवर 71% एरिया ऑफ द अर्थ। अब एक एक कॉन्टिनेंट को हम देखते हैं, तो आउटलाइन कॉन्टिनेंट्स, ये आउटलाइन है, ये आपको बनानी है। तो यहाँ पे डिटेल भी है, देखिए कि एशिया इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट एंड इट हैज़ द मोस्ट पीपल। इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूमरस कंट्रीज़, द लार्जेस्ट ऑफ विच इंक्लूड रशिया, चाइना एंड इंडिया। चाइना इज़ द बिगेस्ट कंट्री इन एशिया। Giant pandas live in China and eat bamboo. It is home of the Great Wall of China. यहाँ पे Great Wall of China है, ये एशिया का आउटलाइन है। ये आपको ड्रॉ करना होगा, इसलिए इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। फिर है यूरोप, ये यूरोप है। यूरोप इज़ मेड अप ऑफ 48 कंट्रीज, पीपल दे स्पीक ओवर 50 लैंग्वेजेस। द वेदर इज़ द सिमिलर टू नॉर्थ अमेरिका, कोल्ड इन द नॉर्थ एंड वार्म इन द साउथ। यूरोप इज़ होम टू द एफिल टावर, बिग बैन एंड द कोलेजियम। तो ये है यूरोप। फिर ये है अफ्रीका। अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, कवर अराउंड 22% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। द इक्वेटर इंटरसेक्ट इट एंड द एक्सपेंसिव लैंड मासिस कवर द सहारा, विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट एंड द नाइल द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन द अर्थ एज वेल एज 53 नेशन। तो इक्वेटर जो है वो अफ्रीका को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, इसलिए वहाँ वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है। फिर है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका। तो ये नॉर्थ अमेरिका है जिसमें कनाडा, यूएस और मेक्सिको, ये 3 मेन कंट्रीज़ हैं।
फिर हमारे पास है साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका इज़ मेड अप ऑफ 12 कंट्रीज, पीपल दे स्पीक मोस्टली स्पेनिश, द बिगेस्ट कंट्री इज़ ब्राज़ील, जहाँ पे अमेजोन फॉरेस्ट इज द अमेजोन रेन फॉरेस्ट इज़ इन साउथ अमेरिका, और लास्ट में है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा, इसलिए यहाँ पे भी मैंने उसको सबसे छोटा ही रखा है। एंटार्क्टिका सॉरी ऑस्ट्रेलिया ये रहा, पहले ऑस्ट्रेलिया देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आता, ऑस्ट्रेलिया इज़ एन आइलैंड कॉन्टिनेंट दैट इंक्लूड द मेनलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तैसमेनिया एंड मैनी ऑफ द आइलैंड थ्रू आउट द पैसिफिक ओशन। द वेदर इन ऑस्ट्रेलिया इज़ द ऑपोजिट ऑफ अवर वेदर। नेटिव पीपल इन ऑस्ट्रेलिया आर कॉल्ड एबोरिजिन्स। कांगारू, कोलाज एंड द ग्रेट बियर रीफ कैन ऑल बी फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी है, कंट्री भी है और आइलैंड भी है, तीनों तीन है। और एंटार्क्टिका लास्ट वाला, तो एंटार्क्टिका इज़ मेड अप ऑफ 5 रीजन एंड 1 आइलैंड चेन। एंटार्क्टिका इज़ द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट, नो पीपल लिव इन एंटार्क्टिका बट सम साइंटिस्ट विजिट टू स्टडी द वेदर और एनिमल्स देयर। मैनी काइंड ऑफ पेंगुइन्स लिव इन एंटार्क्टिका। तो एंटार्क्टिका का टेम्परेचर इतना माइनस में चला जाता है, 50-70 तक माइनस हो जाता है, तो वहाँ पर हमारा रहना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए वहाँ कोई नहीं रहता है, पर साइंटिस्ट वहाँ पे कुछ टाइम के लिए जाते हैं रिसर्च करने के लिए। तो ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट की डिटेल है जो आपके एक्चुअली में टेक्स्ट बुक में नहीं है। अब मैंने जैसे बोला कि आपको ये आउटलाइन ड्रॉ करना है, आप उसमें कलर भी कर सकते हैं, तो ये एक्सरसाइज भी साथ में आपको इसकी कंप्लीट करनी है। तो ये चैप्टर में हमने 5 ओशन, 7 कॉन्टिनेंट और 3 क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में आज डिस्कस की है। अब इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कभी भी टेक्स्ट कर सकते हो, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। और जैसे मैंने बोला कि आपको वीडियो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। इसके बाद वाला जो वीडियो है वो चैप्टर 6 के ऊपर होगा, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, द बिगिनिंग ऑफ सेटल लाइफ, जो हमने 4th चैप्टर पढ़ा उसका सेकंड पार्ट, कि कैसे सेटल लाइफ चालू हुई। यहाँ पे स्टोरी के हिसाब से आपके टेक्स्ट बुक में है, पर हम यहाँ पे उसको पिक्चर्स के साथ डिस्कस करेंगे, जिससे आपको सब क्लियरली समझ में आ जाए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, और क्वेश्चन आपको होने चाहिए, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं होंगे तब तक आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है वो नहीं मिलेगी। तो जितने भी वीडियोस है वो एक बार देख के छोड़ नहीं देना है, आप उसको जब भी फ्री हो एक बार देख लिया करें, बीच बीच में कभी भी, तो इससे आपका रिविज़न वर्क होता रहेगा और फिर एग्ज़ाम के टाइम पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यही सब सोशल स्टडी 9th-10th में भी आने वाला है, तो ये बेटर है कि आप अभी से फोकस करें। यही बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर और यही सब जो आप 5th में पढ़ के आए वही वापस 7, 8, 9, 10 में रिपीट हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसको अच्छे से याद रख ले। ये जो भी ज्योग्राफी के चैप्टर्स चल रहे हैं वो भी सेम टू सेम आगे रिपीट होने वाले हैं। तो इट इज़ बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रॉपरली। ठीक है, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।